हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मेरे पास जो सेट है ये F220B है और इसका माइक में है प्रॉब्लम। दोस्तों इसमें आवाज़ जो है बहुत कम आवाज़ जा रही है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस माइक को चेंज करके हम ये वाला यूनिवर्सल माइक लगाएंगे तो हम कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैं जिंदगी मतलब कि अभी तक जितना भी जियो फोन का ये डिजिटल माइक चेंज किया है, किसी में डिजिटल माइक नहीं लगाया, सब में यूनिवर्सल माइक लगाया है और मेरा मतलब एक झटके में काम किया है। तो मैं कैसे लगाता हूँ आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, तो वीडियो बने रहिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा, सब कुछ मैंने खोल दिया है, सीधा ही काम करूँगा। ठीक है, तो आप पहले तो इसको निकाल लीजिए, डिजिटल माइक जो है अपना। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने निकाल दिया। ये देखिए दोस्तों, ये वाला माइक मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और इसमें निकला है मुझे चार पिन। देखिए दोस्तों, ये चार पिन निकला है और यहाँ पर है मेरा दो पॉइंट है और यहाँ पे चार पॉइंट है। तो इसमें इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मीटर को बजा रेंज पे रख लीजिए, जैसे मैंने रखा है। ठीक है, मीटर को बजा रेंज पे रख करके आपको चेक करना है कि इसमें ग्राउंड कौन सा है। ठीक है, ग्राउंड कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये ग्राउंड बता रहा है, ये भी ग्राउंड बता रहा है, इसमें नो सिग्नल आ रहा है, इसमें प्लस है मेरा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला दोनों पॉइंट जो है मेरा, देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दोनों ग्राउंड है, ये प्लस है और इसमें कोई भी मतलब ये रीडिंग नहीं आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे एक रेजिस्टेंस ढूंढना होगा जो कि कुछ ही पुराने डेड फोन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे ढूंढना है, उसको ढूंढने के लिए आपको इस 20 पे रख लीजिए। और 20 पे रख के आपको यहाँ से इस तरह का जो होता है वो, ये देखिए इस तरह का जो होता है, दिखा दे रहा हूँ, ये काले काले कलर का ये वाला होगा। तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट करिए कि ये देखिए मुझे चाहिए कितना, 1 पॉइंट से लेकर के 10K, 1K से लेकर के 10K के रेजिस्टेंस मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको ढूंढना पड़ेगा किधर है ये भाई। ये देखिए मुझे एक मिला है 4.6 को 20K पे सेट करना है और 1K से लेकर के 10K के बीच में आपको कोई भी अगर आपको रीडिंग मिल रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 4.6 मिल रहा है, तो हम मुझे ये वाला निकाल लेना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इसको निकाला है और निकाल के एक बार रीडिंग लेना है कि ये मेरा सही है या फिर ख़राब हो गया निकालने में। ठीक है, तो ये मैं रीडिंग ले लेता हूँ, ये 4.6 बता रहा है। अब मुझे करना क्या होगा दोस्तों, अब जो है मुझे इन दोनों के बीच में लगा देना है। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए मैंने इस दोनों के बीच में, इन पॉइंट के बीच में, देखिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से ये वाला डाटा लगाया है। और अब जो है मेरा यूनिवर्सल माइक को भी चेक कर लेना है कि मेरा माइक ही ओके है या नहीं। उसके लिए आपको करना होगा मीटर को बजा रेंज पे रख के ब्लैक लगाना है, ब्लैक वाले में रेड लगाना है। देखिए इसमें कंटिन्यूटी बताएगा लगभग 1000 से 1200 के बीच बताएगा, तो 1100 बता रहा है, मतलब ये मेरा माइक भी ओके है। ठीक है, अब मुझे करना होगा कि ये जो रेड वाला जो पॉइंट है, प्लस वाला जो पॉइंट है, उसको इस पॉइंट पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पे लगा देना है। पहले तो ग्राउंड लगा लेना है आपको, ये ब्लैक वाला। ठीक है, और उसके बाद
इस तरह से लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका काम 100% बनेगा, ठीक है। अगर आपका काम इसके बाद भी अगर आपका माइक नहीं चल रहा है दोस्तों, ये लगाने के बाद भी आपका माइक अगर नहीं चल रहा, तो ये वाला जो रेड वाला वायर है, ठीक है, ये रेड वाला वायर मैंने इस पॉइंट पे लगाया है, आप इस पॉइंट पे भी लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा दोस्तों। चेक करूँगा, बहुत टाइम लगता है तो मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे मेरा 100% काम बनता है दोस्तों, और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने इस तरह से लगाया है, और ये जो माइक है मेरा, ये वाला माइक की जगह में मैंने ये वाला माइक लगाया, ठीक है। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।